सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, महादेव इतने करुणा निधान हैं कि जिनका स्वरूप इतना सुंदर है, भगवान शिव के समान कोई सुंदर नहीं है। अब ये बात अलग है कि किसी की आसक्ति ना हो जाए, कोई आकर्षित ना हो जाए, इसलिए अपने रूप को वो अमंगल बना करके रखते हैं, सांप धारण करते हैं, भूत प्रेतों के बीच में रहते हैं, शमशान में रहते हैं, शमशान की भस्म का लेपन करते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं और त्रिशूल लेकर के डमरू बजाते हुए, निनाद करते हुए ओम का जप करते हैं, राम का स्मरण करते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, उनका कितना सुंदर स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमा। कर्पूर गौर, आपने देखा ही होगा कपूर कितना सुंदर होता है, एकदम उज्जवल होता है, एकदम श्वेत सफेद कपूर की जैसा रंग महादेव का है। और लोग झांकी वाले आजकल दिखा देते हैं नीला पीला करके भगवान शिव को, झांकी वालों का तो बड़ा ही विचित्र हाल है। हमारे देवताओं का चेंज कर दिया सब कुछ, प्रेम से कहो ओम नमः शिवाय, लेकिन लोगों को झांकी वाले ही ज़्यादा पसंद आते हैं। जो ज़्यादा झांकी दिखाएं, जो ज़्यादा भजन बोलें, कथा कम सुनाएं, ऐसे कथा प्रवक्ता ही आजकल के लोगों को पसंद आते हैं, झुमा देते हैं महाराज वो, जो तो झुमा देते हैं वो तो बहुत अच्छी है। कथा का सार पता नहीं है, जिसको कथा का रस नहीं पता उसको ही सब कुछ अच्छा लगता है। बेस बाघंबर और बाडंबर और आडंबर, कथा रसिक हनुमान जी, हनुमान जी को केवल कथा प्रिय है, केवल राम का नाम जप प्रिय है। राम जप राम जप राम जप बाबरे कि राम जप राम जप राम जप बाबरे। दो दिन की जिंदगी तेरी और अंधेरी रात रे। अरे जप ले राम, सुन ले भगवान की कथा, जीवन को अपनाना है तो शिव की ओर मोड़ दो, राम की ओर मोड़ दो, कृष्ण की ओर मोड़ दो। अब ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे हम और क्या बताएं। आप देखिए ना कोरोना काल में कितने चले गए, याद कर लिया करो कभी कभार कि भयावना समय कोई आया था 2020 में, 19 में, 20 में। याद कर लोगे तो पाप के मार्ग से हट जाओगे, और याद नहीं करोगे तो भटकते हुए चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, न जाने कहां जीवन की शाम हो जाएगी। हर दिन का प्रभात होता है, हर दिन का मध्याह्न होता है और हर दिन की शाम होती है। तीन बेला हमारे जीवन में है, बाल्यावस्था, युवावस्था और अंत में वृद्धावस्था। ये सबको महसूस होती है, बाल्यकाल भी सबको कभी 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 यार याद आ जाता है, अपने बचपन के अपने युवा वर्ग के मित्र याद आ जाते हैं। फिर बात अलग है कि कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं यत्र तत्र चले जाते हैं, निदान कोई कहाँ रहता है। फिर बहुत दिन के बाद में मित्र का जब फोन आता है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, होती कि नहीं? हाँ जी कि ना जी, होती है ना। तो अपना बाल्यकाल, युवावस्था, ये सब बुढ़ापे में चारपाई पर लेटे 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 सब याद आएगा, याद आता है।
और ऐसा कोई जीव संसार में नहीं है ब्रह्मा की सृष्टि में जिसका बुढ़ापा ना आए, जिसकी मृत्यु ना हो, कोई ऐसा नहीं। इसलिए मत भूलो, जपते रहो जितना समय मिले। अरे भगवान ने तो यहां तक कह दिया, एक घड़ी आधी ती पुनियाद, और साधु की संगत बैठकर कटे कोटि अपराध। लेकिन बैठना पड़ेगा सत्संग में, आना पड़ेगा सत्संग में, जाना पड़ेगा साधु की शरण में, परमात्मा की ओर जाने के लिए। ध्यान से सुनना, परमात्मा की ओर जाने के लिए हमें किसी श्रेष्ठ महात्मा की आवश्यकता पड़ेगी। जिसके जीवन में कोई श्रेष्ठ महात्मा नहीं मिला, उसका जीवन सुख में तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कहीं थोड़ा किंचित मात्र अधूरा सपन दिखेगा, संपूर्ण सुख नहीं दिखेगा, कुछ कुछ अधूरापन। कई परिवारिक जन्मों में ऐसा होता है, कहीं किसी के बच्चे नहीं होते, किसी का विवाह नहीं होता, कोई धन धान से परिपूर्ण नहीं होता, कईयों के बच्चों का विवाह ही नहीं होता, तो उनके जीवन में बुढ़ापे में कुछ अधूरापन महसूस होता है कि देखो मेरे सामने अगर मेरे पोते का विवाह हो जाता, या मेरे बेटे का विवाह हो जाता, बेटी का विवाह हो जाता, पोती का विवाह हो जाता, तो मैं मर जाता या मर जाती तो मैं सुख में, कम से कम मेरे प्राण तो निकल जाते। होता कि नहीं होता बताओ, होता है ना, ये भाव आता है कि नहीं? जो बुढ़ापा तो दूर है, बुढ़ापे से पहले ही ये बात आती है, बच्चों की बड़ी उम्र हो जाए, शादी ना हो, कोई रिश्ता ना हो रहा हो, पुत्र वधु पर कोई बच्चा नहीं हो रहा हो, बहुत समय बीत जाए, तो मन में क्षणिक एक सुख जो है उसका अनुभव करते कि नहीं करते, कि ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। ध्यान देना, जिसके जीवन में कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं है, जिसके जीवन में कोई संत नहीं है, श्रेष्ठ ज्ञानी गुरु जिसके जीवन में नहीं है, उसका जीवन अधूरा होता है, संपूर्ण नहीं होता। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति न हो, शिव की कृपा न हो, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। धन चाहे कितना भी जोड़ लो, पाप करके जोड़ लो, चाहे ईमानदारी से जोड़ लो, और आज के युग में तो ईमानदारी से तो धन जोड़ ही नहीं सकता। जो धनपति कुलपति जो करोड़ोंपति बैठे हैं, वो कोई ईमानदारी की कमाई नहीं है। शास्त्र तो कहता है कि जो अधर्म की कमाई है, उस व्यक्ति की घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अगर कर लिया तो बुद्धि दूषित हो जाएगी, बुद्धि बिगड़ जाएगी, मन बिगड़ जाएगा। इसलिए जो धन आता है, कहीं ना कहीं किसी की पता नहीं कैसी भावनाओं से धन आता है। ये धन तो घूमता हुआ ही तो आता है, ये थोड़ी किसी बस एक हमारे पास ही रहेगा, ये हमारे पास ही रहता है। कितने लोगों के हाथ से निकल करके और कैसी कैसी भावनाओं को छू करके आपके पास आपके घर में वो धन आता है, न जाने वो धन आपका आपकी बुद्धि को दूषित कर दे, आपके परिवार को दूषित कर दे, आपके बच्चों को बिगाड़ दे। इसलिए धन में से दशांश दान कर देना ही चाहिए। तन पवित्र सेवा करने से होता है, मन पवित्र परमात्मा का शिव का ध्यान करने से होता है, और वाणी पवित्र होती है भगवान के नाम का चिंतन स्मरण करने से, और धन पवित्र होता है दान करने से। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।